के खाते फ्रीज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस मौके पर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है। जो मुद्दा हमने उठाया है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार विपक्ष पर हमला कर रही है, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं। This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. It's a systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. तो वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं, कोई भी संस्था इस पर कुछ नहीं बोल रही, देश में लोकतंत्र पर ये बड़ा खतरा है। पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, राहुल गांधी की हार तय है, देश मोदी के साथ है। अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है। यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा, द एरा ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट इज ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एरा नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रिमेंबर,